बदलाव। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के पहले एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात का ये 85वां एपिसोड था, जिसे आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर सुबह 11:30 बजे से प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, शिक्षा, कोरोना, गणतंत्र दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती समेत कई विषयों पर अपने विचार रखे। बता दें कि पीएम मोदी गांधी जी को नमन करने और श्रद्धांजलि देने के साथ अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने की। इस दौरान उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपने आखिरी परेड में हिस्सा लिया। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख की तरफ से COAS कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। साथियों, मुझे गोवा से लॉरेंसियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है। ये क्लास 12 की स्टूडेंट है। इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज। मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी। उन्होंने बेटियों को सशक्त करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चलाए, अनेक प्रदर्शनियां लगाई। निश्चित तौर पर भिकाजी कामा स्वाधीनता आंदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी। 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का निधन 1930 में जेनेवे में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए। वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापस लानी चाहिए थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूं, और इस काम का सौभाग्य भी मुझे ही मिला। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वर्ष 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की स्मृति में उनके जन्म स्थान कच्छ के मांडवी में एक स्मारक का निर्माण भी हुआ है। साथियों, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह केवल हमारे देश में ही नहीं है। मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के जागरेब में स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की बधाई दी है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा और संयुक्त भाटिया के साथ तमाम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की बात की हमारे सहयोगी सुभाष कौट ने। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही कहा कि इस बार 60 पार का नारा साकार होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं बात करने के लिए। सर, लगता है 60 पार का नारा पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से होगा। सर, एक बड़ी चीज ये भी है कि कांग्रेस भी मैदान पर, और हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भाजपा ने जो नारा दिया है उस नारे के आसपास भी वो नहीं रहेंगे। अरे, वो बेचारे तो अभी नगर से कुएं में चले गए। उनकी ही पार्टी ने उन्हें कहां रामनगर, कहां कुआ, लाल कुआ। अब मुझे नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं।
देहरादून आवाज नीचे से थोड़ी दबके आ रही है। जिसे सैनिकों दृष्टि पत्र भी आपका आ रहा लगता है इस बार कुछ सरकार क्या कर रही है, कितनी सीटों पर सैनिकों को टिकट दी गई, लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कौन सी सरकार को जनता बेहतर मानती है, इन्हीं सब मुद्दों पर जनता की राय जानी है हमारी सहयोगी निशी भाटिया ने। आप भी उनकी बात को सुनिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड सैनिकों की भूमि। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आपको आज पूर्व सैनिकों से मुलाकात कराऊंगी कि इस वक्त प्रदेश में और खासकर सैनिकों की भूमि में सैनिकों की क्या दशा है। जी हाँ, मैं आज एक पूरे डाटे के साथ यहाँ पर कवरेज करने आई हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या में से 100% जनसंख्या में से 13% जो वोटर्स हैं वो सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और कहीं ना कहीं 3.34%, जी हाँ 3.34% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सैनिक ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा जो है मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं सैनिक परिवार से ही ताल्लुक रखता है, और सैनिक हैं जिनके वोट बेहद कीमती होने जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर। तो आज हम सैनिकों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, रैलियों में बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रही थी कि हम सैनिकों को सबसे आगे रखेंगे, सैनिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर कहीं ना कहीं जो अब दशा हमें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे चुनाव आ चुके हैं, 14 फरवरी को चुनाव है, पर अब ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सैनिक को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है। 70 सीटों में से कितने ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको इस बार दावेदारी की लिस्ट में सबसे आगे रखा गया है, किसको सीट मिली है, कहां से टिकट मिली है, ये बेहद दिलचस्प होगा। मैं आपको दिखा दूं, ये एक खन्ना पान भंडार है, ये एक पूर्व सैनिक ने अपना काम खोला है। तो आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त सैनिकों की उत्तराखंड जो सैनिक भूमि है उस पर क्या दशा है। सैनिकों का हाल जैसे आम आदमी का होता है वैसे चल रहा है। न सैनिकों किसी को टिकट मिला है, न कोई उनका एरियर मिला है। वन रैंक वन पेंशन की गई थी मोदी सरकार ने, उसमें अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। और हमने क्या बोलना, हम तो साधारण आदमी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने बात की है टिकट की, जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैंने सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात बताई कि बीजेपी कांग्रेस ने जितने भी रैलियों में बड़े बड़े दावे गए, पूर्व सैनिक को सबसे आगे रखने की बात कही, पर अब जो स्थिति है वहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि 70 विधानसभा सीटों में से कितनी ऐसी टिकटें हैं जहाँ पर पूर्व सैनिक का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, जहाँ पर वो दावे कर रही थी कि पूर्व सैनिक आएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे। पूर्व सैनिक पहले नाम आ रहा था कोठियाल, क्या क्या कर्नल जनरल क्या क्या नाम थे उनके, वो एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ना उनका नाम आ रहा है। ये जो टिकट है उन्होंने अपने ही आदमी के, जो पुराने आदमी थे जो उनके खास आदमी होंगे उन्हीं को टिकट दिया है, बाकी नए आदमी किसी को टिकट नहीं दिया है। नाम पूर्व फौजी बना के दे रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक पूर्व फौजी हैं और कहीं ना कहीं आपको इस भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है और चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस भूमि के लिए कौन सा सीएम परफेक्ट है जो आपके हिसाब से आना चाहिए, और क्या इस वक्त जो स्थिति मौजूद है कौन सा सीएम सबसे अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो काम तो कांग्रेस ने बढ़िया किया था, और कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से, और फौजी कुछ फौजी भाजपा में गए हैं, बाकी सब कांग्रेस में ही हैं। ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस में हैं, उम्मीदवार जो हैं थे वो भी सब टूट टूट के कांग्रेस में आ गए हैं। आम जनता के लोग जो फौजी थे पुराने वो भी सब कांग्रेस में आ गए हैं अब। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक का अहम वोट किसी एक ऐसी पार्टी को जाएगा क्योंकि अब उत्तराखंड बदलाव चाहता है, तो इसी को मद्देनजर रखा हम अब और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और पूर्व सैनिक से बातचीत करके इस बात का अंजाम लगाते हैं कि इस वक्त राजनीतिक दल किस तरीके से काम कर रहे हैं और पूर्व सैनिक का दिल कौन सी पार्टी जीत के जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो और लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो स्थिति मौजूद है तो उसमें पूर्व सैनिकों को भाजपा कांग्रेस ये जो राजनीतिक दल है वो पूछ रहे हैं या नहीं। नहीं देखिए, जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई जी, तब से तो पूर्व सैनिकों की काफ़ी मतलब देखभाल होती है, जैसे कैंटीन सुविधा और या अन्य सुविधाएं, जिस चीज़ों से हम लोग पहले 70 सालों से वंचित थे उसमें अभी 5 सालों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर बात की जाए उत्तराखंड जो सैनिकों की भूमि, जो एक बहुत बड़ा टाइटल जो दिया गया है और वाकई में ये है
सैनिकों की भूमि पर, जो 70 विधानसभाओं में टिकटें निकाली हैं भाजपा कांग्रेस ने, वहाँ दूर दूर तक पूर्व सैनिक का कोई नाम नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें देखिए, ये बात ऐसी है, यदि पूर्व सैनिक कोई दावेदारी करता है और उनको टिकट न मिला हो तब तो हम बात कहेंगे। जी ऐसा हुआ है कि पूर्व सैनिकों ने दावेदारी पेश की पर टिकट नहीं मिला। और ये तो खैर मैं खास इसमें ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। और बाकी के जो पूर्व सैनिकों की जहाँ तक बात है, पूर्व सैनिकों के लिए जो इस सरकार ने किया वो शायद ही कोई सरकार कर पाए। तो इस बार आपका जो कीमती वोट है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड का कुछ परसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक से ताल्लुक रखते हैं, तो उसका कीमती वोट वो किस पार्टी को जाने वाला? हमारा वोट जो है वो तो बीजेपी को जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नाम पे हम वोट करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं और उनके नाम पर वोट करेंगे जी। तो अगर आपने बात की कि हमारा वोट भाजपा को जाएगा, पर भाजपा को वोट देने के क्या ऐसे मुख्य तीन कारण हो? कारण तो जी मैं बहुत सारे गिना दूँ, कारण गिनाते गिनाते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा जी। कोई भी तीन, तीन तीन कोई भी तीन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब वन रैंक वन पेंशन का सवाल आया जी। हमारा जो सैनिक था, जो पूर्व सैनिक था, जिसको पेंशन मिलती थी सिर्फ 4,000 या 5,000, वो जब वन रैंक वन पेंशन हुआ, आज वो लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो लगभग 20 से 21 हज़ार पे नंबर एक काम। नंबर दो काम, जिन जिन इलाकों में कैंटीन नहीं थी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन नहीं थी, वो उन जगहों पे आजकल CST कैंटीन है। और वो जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, थराली में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन नहीं थी जी। तो वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई और भाजपा सरकार ने ही कैंटीन खोली वहाँ पे। बीजेपी क्यों? बीजेपी के अलावा और कोई है नहीं। तो क्यों बीजेपी और क्या वजह रहेगी कि जो बीजेपी को आप जिताएंगे? देखिए मैडम, और जिस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं ना काम, उनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। हम मोदी जी को देख के ही वोट देंगे। तो हमारे यहाँ के जो हैं मसूरी क्षेत्र गणेश जोशी जी, वो हमेशा हेल्पफुल बंदे हैं, जब भी कभी भी जाओ तुरंत आते हैं। तो ऐसी क्या मदद करी गणेश जोशी जी ने जो आप इस वक्त? तो मैडम ऐसा है कि गणेश जोशी जी ने हमारी इसलिए मदद करी कि एक बार ये सारे के ठीक हटाने का नौमत आ गई थी, ठीक है जी। तो हमने गणेश जोशी जी के पास गए तो उन्होंने कहा कोई किसी का नहीं हटेगा, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ठीक है ना मैडम। तो इसीलिए जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। तो अब मैं आपसे एक और सवाल लूंगी कि यहाँ पर मैंने अभी इस क्षेत्र में पूर्व सैनिक भी बहुत है जी, पूर्व सैनिकों की इस वक्त क्या दशा है ये भी मैं एक आम नागरिक से जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी पूर्व सैनिक और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो एक सैनिकों की भूमि है। तो इस पर आप क्या कहें? ठीक है मैडम, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि भूतपूर्व जो सैनिक है उन लोग को भी बिल्कुल ठीक ठाक पेंशन मिल रही है, उनका भी सब बढ़िया चल ही रहा है। और अब जो स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस भाजपा जो चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने सैनिकों को भी सबसे आगे रखने की बात की है, पर सैनिक कहीं ना कहीं पीछे हो गए। उनकी जब सीटें देने की बात आई तब सैनिक पीछे हो गए, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अपने वादों पे खड़ी होगी? ठीक है मैडम, भाजपा अगर आएगी तो आना ही है और अपने वादे उन्होंने पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर देश को चलाना है तो बीजेपी को ही लाना पड़ेगा। अच्छा, तो देश को चलाना है तो बीजेपी को लाना है। आज हम एक ऐसी भूमि थी जिसे सैनिकों की भूमि कहा जाता है। मैंने आपको ये बार बार इस शब्द इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि लगातार हमने लोगों से बातचीत की, लोग नहीं वो पूर्व सैनिक थे, और कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं एक भारी मतों के साथ इस बार विजय प्राप्त करा सकती है किसी भी पार्टी को। तो लगातार हमने लोगों से बातचीत करके आपको ये दिखाने की साफ कोशिश की है कि जो भाजपा कांग्रेस अपने वादों की लिस्ट में मैनिफेस्टो में पूर्व सैनिकों का नाम बार बार इनपुट कर रही है, पर किस हद तक पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है इस सैनिकों की भूमि में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 14 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं वो बेहद रोमांचक रहेंगे, क्योंकि 3% से भी ज़्यादा परसेंट एक सिर्फ सैनिक की है पूरे उत्तराखंड की, अगर हम आबादी की बात की जाए। और इसके अलावा भी हमने जितने भी लोगों से बातचीत की उनका यही मानना है कि किस तरीके से भाजपा कांग्रेस अपने वादों से मुकरती नजर आई है। मैं निशी भाटिया, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ, नमस्कार।
वहीं मुरादाबाद में कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं छात्राओं के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, साथ ही पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ के हुसैनगंज के राज होटल से कूदकर कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के बहुमंजिला इमारत से कूदने की जानकारी पाकर होटल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में कर्मचारी को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना हुसैनगंज में मिराज अहमद और बाबू थे, यहाँ राज होटल है, बता रहे हैं यहाँ के मालिक के ड्राइवर थे। तो ये लगभग 3 बजे के करीब ऊपर से गिरने के बाद इनकी जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर कब से ठहरे हुए थे, क्या इनके परिवार के लोगों ने इनसे संपर्क हुआ है? अभी इनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। इनके परिवार वाले कानपुर के रहने वाले थे और ये यहाँ होटल में कमरा नंबर 405 में रहते थे स्थायी रूप से। क्या इसको आत्महत्या मानना या कुछ संदिग्ध में अभी तक नहीं, सारे बिंदुओं पर जाँच हो रही है, जो चीज है वो सामने आएगी। सीतापुर के रामकोट इलाके में ग्राम प्रधान और उसके बेटों ने दबंगई दिखाते हुए पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया, जब वो गांव में अपने साथी से मिलने जा रहा था। आपको बता दें कि गांव में अवैध निर्माण हो रहा था, जिसका पत्रकार वीडियो बना रहा था, उसी समय उस पर हमला किया गया। वहीं पीड़ित पत्रकार ने थाने में तहरीर दी है। आज हम जा रहे थे कई पत्रकार साथियों के साथ अपने ग्राम पंचायत गढ़ी जी, और गढ़ी में हमारा एक साथी है जीपी राजवंशी, पत्रकार उसके घर जा रहा था जी। रास्ते में नाली निर्माण हो रहा था जो प्रधान के द्वारा करवाया जा रहा था जी। मैं निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ ग्राम पंचायत गढ़ी का जी। तो पत्रकार साथियों ने कहा कि देखो तुम्हारे गांव में जो मानक विहीन काम हो रहा है, तो वो लोग रुक गए। वहीं सीतापुर के लहरपुर इलाके की राजा ब्रिकफील्ड भट्टे पर उस समय हादसा हो गया जब अनियंत्रित ठोककर ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे आने से ट्रैक्टर चालक की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन बराबर करते समय यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर की मौधा कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने चोरी किए गए 8 ट्रैक्टर और 12 बाइक बरामद की है, साथ ही मौके से 7 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर चोर जनपद के साथ अन्य जनपदों और प्रांतों से वाहन चोरी करते थे और सुनसान जगहों पर छिपा देते थे। वहीं चोरी किए गए ट्रैक्टर और बाइक की मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग 76 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने सभी शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने शातिर चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। देखिए, ये थाना प्रभारी जो मौरा है, ये चुनाव जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिगत ये चेकिंग में थे, उनकी पूरी टीम चेकिंग में थी, तभी इनको सूचना प्राप्त हुई कि जो गांव रिवन है वहाँ पे मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, उपकेंद्र है, वहाँ पर जो है कुछ लोग एकत्र हैं और वो वाहन चोरी के धंधे से जुड़े हुए हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो है छापा मारा और उसमें 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो है 8 ट्रैक्टर जो विभिन्न कंपनियों के हैं और 12 मोटरसाइकिल जो है बरामद की गई हैं। वही आगरा में थाना फतेहपुर सीकरी और आबकारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की है। ये कार्रवाई क्षेत्राधिकारी अचनेरा महेश कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसके तहत 470 लीटर कच्ची शराब और 1500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। वही छापेमारी की सूचना मिलते ही रात का फायदा उठाकर शराब माफिया मौके से फरार हो गए। बता दें कि ये शराब फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के नगला कलंदर में बनाई जा रही थी। वही पुलिस ने अवैध शराब बनाए जाने के उपकरणों को जब्त करने के बाद मुकदमा दर्ज कर शराब माफियाओं की वो तलाश में जुट गई है। देखिए, अभी शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस ने एक बार फिर 400 कुछ लीटर कच्ची शराब पकड़ी है, जिसमें कई भट्टियां पकड़ी गई हैं और 1500 लीटर लाहन नष्ट किया गया है मौके से। तो इस प्रकार का लगातार प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी।
गोंडा के बेलसर मार्ग पर ग्राम चंडई पांडे पुरुआ के पास एसटीएफ ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है। पुलिस ने अंबेडकर नगर जिले के बदमाश विजय सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अपराधी विजय सिंह मारा गया। अपराधी कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। बता दें कि एसटीएफ और पुलिस टीम को पांडे चौराहा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने रिवॉल्वर से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में 2 और पेट में 1 गोली लगी। घायल अवस्था में उसे परसपुर सीएचसी लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। हमीरपुर में बदमाशों के बीच पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है, जहां पर रंगदारी ना देने पर दबंग ने युवक पर पत्थर मारकर उसे लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के नाम एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बलिया के चकिया गांव से अपहरण किए गए युवक का 9 दिन बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि अन्नू अपने ही गांव चकिया में बीते 20 जनवरी को एक कार्यक्रम में गया था, उसके बाद वहां से वापस नहीं आया। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला है कि हमारा भाई गुम हो गया 20 तारीख के रात से, लगभग 8 से 9 के बीच में किसी तिलक समारोह में गया था, उनके दरवाजे पर से ही गायब हुआ है। उनका नाम जो है विजेंद्र कुमार वर्मा है और उनके जैसे भी हमने कुछ कार्रवाई तो किया नहीं है। पर्सनली कोई इसी से हमारा संबंध नहीं था, जो कि थाना पर हमने दर्ज करवा दिया। मामले की रिपोर्ट जैसे आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से किस थाने पर दिए थे? बैरिया थाना। बैरिया थाना पर क्या हुआ थाने में? क्या क्या थाने में गए थे तो उन्होंने बोला ठीक है जांच चल रहा है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में 19 जनवरी को हुई चांदी लूट की वारदात का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना सदर क्षेत्र के रोहता नहर के पास एक गोदाम से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग का सरगना रामू उर्फ राम प्रकाश है। बता दें कि आरोपी दिल्ली में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एडीजी राजीव कृष्ण ने 5 टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 137 किलो चांदी, अवैध हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। वहीं एडीजी राजीव कृष्ण ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। करीब 9 दिन पहले 19 तारीख को थाना सदर क्षेत्र में जिन पर आगरा में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें करीब 11 बजे दिन में कोरियर कंपनी जो करीब 200 किलो चांदी लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनके कर्मचारी उनको कुछ बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर उसमें से चांदी को और बाकी कुछ चीजों को लूटा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।